गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, जय माता दी। और आज ये वीडियो स्पेशली बना रहा हूँ इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड की अमेंडमेंट्स के लिए। चाहे आप एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में हैं, चाहे आप प्रोफेशनल प्रोग्राम में हैं, सभी के लिए यूज़फुल है, सभी के लिए काम की है। और पिछले दिनों में लर्न एंड शाइन सीरीज़ में हम बात कर रहे थे ना, ऑब्वियसली इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोर्ट के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको दिए, बहुत सारे आंसर्स पे आपने वोटिंग की। उन सब के आंसर्स भी मैं मेरी तरफ से इस वीडियो में देने वाला हूँ, लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि अमेंडमेंट्स के साथ उनके लॉजिक्स की बात करेंगे, जहाँ जहाँ वो लॉजिक्स इम्पॉर्टेंट हैं। तो नंबर वन अमेंडमेंट्स की बात करेंगे कि अमेंडमेंट्स क्या आई हैं अगस्त 2019 में, दिसंबर 2019 में, एंड देर आर फ्यू अमेंडमेंट्स विच आर देयर इन जनवरी, फरवरी, मार्च ऑल्सो इन 2020। उनके बारे में बात करेंगे, दो दे आर नॉट रेलिवेंट फॉर एग्जाम्स इन जून, बट पता होना चाहिए और इम्पॉर्टेंट है। लॉजिक्स के बारे में बात करेंगे, तो नंबर वन अमेंडमेंट्स के बारे में बात करेंगे, नंबर टू लॉजिक्स के बारे में बात करेंगे, नंबर थ्री पिछले दिनों में काफ़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है बिकॉज ऑफ पेंडेमिक, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड में बहुत कुछ रुक गया है, कुछ चल रहा है, उन सब के बारे में बात करेंगे। एंड एक पहेली पूछूंगा लास्ट में आपसे, एक बड़ी इम्पॉर्टेंट रिडल और पहेली कह लीजिए, जो भी वो पूछूंगा लास्ट में, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो गेटिंग स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग टाइम, एंड द अमेंडमेंट्स विच केम इन 2019, आपके सामने भारत का राजपत्र है, नीचे डेट नज़र आ रही है 6 अगस्त 2019, एंड अमेंडमेंट केम थ्रू दैट इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड अमेंडमेंट एक्ट 2019, बट विद इफेक्ट फ्रॉम 16 अगस्त 2019, 10 दिन बाद एनफोर्स हुई कुछ अमेंडमेंट्स। फिर ये एक और आपके सामने भारत का राजपत्र है, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019। और मैं अब इसमें नहीं जाऊंगा डिटेल में कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑर्डिनेंस कब और क्यों अनाउंस करते हैं, आपको पहले पहले से पता है, आई नो दैट। एंड 28 दिसंबर 2019 को ये अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019 प्रोमुलगेट किया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, एज पर हिज पावर्स इन द आर्टिकल 123 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और उसको, उसी ऑर्डिनेंस को बाद में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया। इसमें हालांकि कुछ एक एक दो एडिशंस भी किए लेटर ऑन, सब्सिक्वेंटली 13 मार्च 2020, एंड ऑर्डिनेंस बिकेम एक्ट 2000, अमेंडमेंट एक्ट 2020 लेटर ऑन। लेकिन नीचे आप डेट देखेंगे ध्यान से तो 28 दिसंबर 2019 बॉटम लाइन सेज दैट कि ये जो एक्ट है इसकी एनफोर्समेंट डेट वही रिट्रोस्पेक्टिवली है 28 दिसंबर 2019 से है। एंड वेल द सेम थिंग विजिबल हेयर इन द इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर दैट फाइनली पार्लियामेंट हैज़ अप्रूव्ड दोज अमेंडमेंट्स विच वर देयर इन द ऑर्डिनेंस एंड नाउ अप्रूव्ड बाय लोकसभा राज्यसभा। एंड येस, बिफोर आई गेट स्टार्टेड आई एम टेकिंग अ प्रिजम्पशन कि आप लोगों ने ज़िंदगी में पहले कभी ना कभी इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड पढ़ा हुआ है और आपको उसके बेसिक्स पता हैं, एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन फर्दर विद द अमेंडमेंट्स। बट वन थिंग आई लाइक टू शेयर ओवर हेयर बिफोर आई मूव ऑन फर्दर, एग्जाम्स पास आ रहे हैं तो मुझे लगता है कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं वो कानों में सुनाई देती हैं तो एक इंस्पिरेशन मिलती है। एंड द मैन इन फ्रंट ऑफ यू, मोहम्मद अली, द बेस्ट ऑफ, वन ऑफ द बेस्ट बॉक्सर्स इन द हिस्ट्री ऑफ बॉक्सिंग, एंड ही यूज टू बी अ बॉक्सिंग चैम्पियन। तो मोहम्मद अली ने कभी कहा था दैट आई हेटेड एवरी सिंगल मिनट ऑफ ट्रेनिंग, बट आई सेट टू माई सेल्फ दैट डोंट क्विट, सफर नाउ एंड लिव द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एज अ चैम्पियन। तो सेम थिंग इज हैपनिंग विद वी पीपल इन द प्रोफेशनल कोर्स, सफर नाउ एंड ट्रेन योर सेल्फ नाउ इन दीज हार्ड टाइम्स ऑफ पेंडेमिक एंड लॉकडाउन, बट देन अल्टीमेटली यू विल इवॉल्व लाइक अ चैम्पियन। सो गेटिंग ऑन वेल विद द लर्न एंड शाइन सीरीज, एक सवाल मैंने पूछा था कि जब 2016 में ये आईबीसी आया था तो उस वक्त इट वाज सो फार एज आल से कंपनीज आर कंसर्न, कॉरपोरेट पर्सन्स, एलएलपीज आर कंसर्न, इट वाज एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया, होल ऑफ इंडिया, वेदर द कंपनी इज इन जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो, इफ इट बिकम्स इंसॉल्वेंट इट वाज कवर्ड इन द आईबीसी। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द
इंसॉल्वेंट इंडिविजुअल्स इन पार्टनरशिप फर्म्स, शुरू में अगर वो कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में अगर कोई इंसॉल्वेंट हो जाता था तो उसके लिए आईबीसी एप्लीकेबल नहीं था, लेकिन अब एप्लीकेबल हो गया है। तो वो तारीख क्या है, किस डेट से एप्लीकेबल हो गया? आई हैड गिवन फाइव ऑप्शंस विच आर विजिबल ऑन स्क्रीन। सो वाज इट 9th August 2019 जब लोकसभा राज्यसभा ने अप्रूव किया था जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, और वाज इट 31st अक्टूबर जब वो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट अप्लाई किया गया था प्रैक्टिकली, और इज इट अ सब्सिक्वेंट डेट? तो फाइनली आई लाइक टू गिव द आंसर विदाउट वेस्टिंग टाइम। 18th मार्च 2020 इज द डेट, और ये वो तारीख है जब हम कह रहे हैं कि अगर जम्मू कश्मीर में अगर कोई इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फर्म इंसॉल्वेंट हो जाती है तो दे विल बी नाउ नाउ कवर्ड इन इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड 2016। और ये तारीख कहाँ से आई, क्यों आई, तो आपको इस स्क्रीन की बॉटम लाइन में नज़र आएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 18th मार्च 2020 को एक ऑर्डर इशू किया था और बोला कि नाउ द पार्ट 3 ऑफ द आईबीसी विच इज़ मेंट फॉर इंसॉल्वेंस इंसॉल्वेंट इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप फर्म्स हैज़ बिकम एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो बाई ऑर्डर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नाउ। सो दैट्स इट। तो तारीख याद रखिएगा। वेल मे बी दिस इज़ नॉट दैट रेलिवेंट फॉर जून 20 एग्जाम्स, बट विल बी रेलिवेंट फॉर December 20 एग्जाम्स, और पता तो होना ही चाहिए। देन आई विल से इन दिस इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड क्वेश्चन नंबर 2, नाउ दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट रेलिवेंट टेक्निकली। इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट किसको बोले? नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आप में से मेजॉरिटी लोगों ने लर्न एंड शाइन सीरीज में सही आंसर दिया है, लेकिन जिन्होंने नहीं दिया है उनके लिए भी, और जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया उनके लिए भी, सबके लिए पता होना ही चाहिए। सो इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट इज विच डेट आउट ऑफ दीज थ्री? नंबर 1 फर्स्ट ऑप्शन, इज इट अपॉइंटमेंट ऑफ द इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, और इट इज इट द डेट ऑन विच द एनसीएलटी एडमिट्स द एप्लीकेशन टू स्टार्ट द सीआईआरपी प्रोसेस, और इज इट द डेट व्हेन द एनसीएलटी रिसीव्स द एप्लीकेशन टू स्टार्ट द सीआईआरपी प्रोसेस? तो करेक्ट आंसर इज द डेट ऑन विच द एनसीएलटी एडमिट्स द एप्लीकेशन टू स्टार्ट द सीआरपी प्रोसेस। वी से दैट डेट इज द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। बट समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट दिस, अजीब सा है, मतलब क्या बोलूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स एक ही चीज़ को बार बार चेंज कर रहा है। और ये अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, पिछले दिनों में क्या था, उससे पहले क्या था। तो जब इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड 2016 पैदा हुआ था ऑन 1 जून 2016, उस वक्त भी कहते थे द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन बाय एनसीएलटी इज़ द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। लेकिन बाद में अमेंडमेंट आई 2018 में, 6th of June 2018, और चेंज कर दिया तब, और 6 जून 2018 से 27 दिसंबर 2019 तक कहते थे द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बाय द एनसीएलटी इज द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। और वहाँ से 180 डेज का टाइम पीरियड शुरू होता है फॉर द सीआईआरपी प्रोसेस, कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। 27 दिसंबर 2019 तक ऐसा रहा, और फिर फाइनली ऑर्डिनेंस आया, और फिर एक्ट भी, अमेंडमेंट एक्ट 2020 में भी कन्फर्म किया कि नाउ वंस अगेन वी आर गोइंग बैक टू द हिस्ट्री, और जो पहले था वही अब दोबारा से शुरू कर दिया। दैट इज़ अ डेट ऑफ एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन बाय द एनसीएलटी इज़ द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, जहाँ से हम 180 डेज का टाइम पीरियड शुरू करेंगे फॉर सीआईआरपी प्रोसेस। तो 1 जून 2016 टू 5th जून 2018 जो सिचुएशन हुआ करती थी, वही सिचुएशन वापस दोबारा से हो गई है, और बीच में जो सिचुएशन क्रिएट की गई थी वो ख़त्म हो गई है। सो लॉ मेकर ने वापस, क्या बोलें, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, वापस वही जो डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन बाय एनसीएलटी है उसी को मान लिया है, दैट दैट डेट इटसेल्फ इज द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन बाय द एनसीएलटी। दैट इज द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, एंड नाउ यू कैन कॉल इट इट इज़ द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ सीआईआरपी प्रोसेस, और यहीं से 180 डेज शुरू होते हैं, और यहीं से आगे एनसीएलटी 90 डेज का फिर बाद में एक्सटेंशन भी देगा। सो वी आर बैक टू द ओरिजिनल सिचुएशन विच यूज टू बी देयर बिफोर 6th जून 2018, एंड वी मूव ऑन फ्रॉम हेयर टू द क्वेश्चन नंबर 3।
एंड दिस इज़ कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस शेल मैंडेटरली बी कम्प्लीटेड विद इन हाउ मच टाइम पीरियड फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट. इज इट दैट 180 डेज प्लस 90 डेज 270 डेज और इज इट समथिंग एल्स. तो अभी जो अमेंडमेंट आया दैट इज 330 डेज. तो दैट आंसर इज 330 डेज इज द टाइम नाउ अवेलेबल फॉर कम्प्लीटिंग सी आर पी. लेकिन इसमें एक चीज़ बोलना चाहूँगा जो लॉ मेकर ने लिखा है सेक्शन 12 में, इंक्लूडिंग एनी लीगल प्रोसीडिंग्स विद रिस्पेक्ट टू द सी आर पी प्रोसेस, वो भी कंप्लीट कर लीजिए बीच में. अगर कोई लीगल स्टे लगाया है कोर्ट ने, कहीं बीच में मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, वहाँ कोई स्टे लग गया है, तो वो जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स हैं विद रिस्पेक्ट टू द सी आर पी वो भी इन्हीं 330 डेज के अंदर अंदर कम्प्लीट कर लीजिए. एंड व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दिस, ये क्यों लेकर आए ये 330 डेज. तो जेपी का केस अगर आप लोगों को पता है, वेल और बहुत सारे और केसेस में भी, वेल 270 डेज की टाइम लिमिट क्रॉस हो रही थी. और जेपी वाले केस में तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 142 का भी इस्तेमाल किया था, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स का इस्तेमाल किया था कि हज़ारों होम बायर्स हैं, अप्रॉक्सीमेटली 30,000 होम बायर्स समथिंग हु आर स्टक अप एंड वेल द मैटर वॉज नॉट गेटिंग रिजॉल्व. और जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऐसा लग रहा था वाइंडिंग अप में जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहता था वाइंडिंग अप में जाए और होम बायर्स सफ़र करें. तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स को यूज़ किया था. मैं और ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन उसको देखते हुए लगा कि वो 270 डेज का टाइम पीरियड जंप हो गया और मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था. सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से फ्रेश बिडिंग करवाई थी फॉर द टेक ओवर ऑफ, रादर ऑर्डर्स दिए थे एनसीएलटी को कि फ्रेश बिडिंग करवाई जाए फॉर द टेक ओवर जे पी इंफ्रा बाय सम गुड कंस्ट्रक्शन कंपनी विच कुड कम एंड कम्प्लीट द वेल द होल प्रोजेक्ट. तो उन सब चीज़ों को दिमाग में रखते हुए अभी अमेंडमेंट कर दी गई है, इंस्टेड ऑफ 270 डेज नाउ इट इज 330 डेज. इसी से जुड़ा हुआ फिर एक क्वेश्चन और आ जाता है कि सी आर पी प्रोसेस अगर 180 डेज में इनिशियल पीरियड में ख़त्म नहीं हुआ, कम्प्लीट नहीं हो पाया, तो वेल नाउ द क्वेश्चन फॉर यू इज कि एन सी एल टी फिर एक्सटेंशन कितना दे सकता है. एंड एक्सटेंशन इज फर्स्ट एक्सटेंशन ऑफ 90 डेज एंड सेकेंड एक्सटेंशन ऑफ 60 डेज. तो 180 प्लस 90 प्लस 60 एंड टोटल गोज टू 330 डेज, और ओनली 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 वन एक्सटेंशन ऑफ 90 डेज. सो दैट्स द क्वेश्चन फॉर यू. एंड आई विल से आंसर इज सिंपल, पहले भी यही था आज भी यही है. NCLT can give only one extension of 90 days and therefore it is 180 plus 90, 270 days. वो जो 60 days और extra है वो NCLT extension के लिए नहीं है. That 60 days is for completing your other legal proceedings well connected with the CIRP. So NCLT के पास पहले भी और अब भी, अमेंडमेंट से पहले भी और 28 दिसंबर 2019 के बाद भी, सिर्फ एक एक्सटेंशन देने की पावर है, दैट इज 90 डेज. 60 डेज जो और ऊपर से एक्स्ट्रा मिल रहे हैं वो NCLT को नहीं मिल रहे हैं, और NCLT के पास वही ओरिजिनल पावर अभी भी है. 60 डेज एक्स्ट्रा वो लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए, जो मामला कोर्ट में जाता है, लीगल स्टे लगता है उसके लिए. तो टोटल बिकम्स 330 डेज दैट वे, जिसमें से 270 डेज NCLT के हैं और 60 डेज वो लीगल प्रोसीडिंग्स कंप्लीट करने के लिए. देन वी मूव ऑन फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम हेयर, एंड दैट इज ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट ओवर हेयर इन द इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड 2016. फॉर द कॉर्पोरेट पर्सन द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी NCLT शैल अपॉइंट द इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल विद इन हाउ मच टाइम. तो कुछ टाइम पहले तक कहा करते थे विद इन 14 डेज ऑफ इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट 28 दिसंबर 2019 से पहले कहा करते थे. बट वट इज़ द करेक्ट आंसर राइट नाउ दीज डेज. तो आप में से कुछ लोगों को पता था जिन्होंने लर्न एंड शाइन सीरीज में सही आंसर दिया भी, दैट नाउ द करेंट आंसर इज दैट विल NCLT शेल अपॉइंट द IRP ऑन द सेम डेट, दैट इज ऑन द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, जिस दिन NCLT ने विल एडमिट की है एप्लीकेशन, एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन सेम डेट अपॉइंट करना है. लेकिन आप लोगों को मालूम है कि सेक्शन 7 में हो पाएगा, फाइनेंशियल क्रेडिटर ने शुरू से ऑब्वियसली अपनी एप्लीकेशन में साथ में एक नाम रिकमेंड किया होगा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का, और सेक्शन 10 में भी हो पाएगा
बिकॉज वहाँ पर भी कॉरपोरेट डेटर ने एप्लीकेशन फाइल की होगी, तो उसमें भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का नाम ऑब्वियसली रिकमेंड किया होगा, और NCLT उन्हीं को अपॉइंट कर सकता है एज इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल. तो सेक्शन 7 और 10 में कोई प्रॉब्लम नहीं है. सेक्शन 8 और 9 में जहाँ पर ऑपरेशनल क्रेडिटर एप्लीकेशन फाइल करता है, तो ही मे और मे नॉट रिकमेंड द नेम ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल टू बी अपॉइंटेड एज IRP. अगर नाम रिकमेंड किया होगा तो ऑब्वियसली ऑन द स्पॉट इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट वाले दिन अपॉइंट हो जाएगा, और अगर नहीं किया होगा तो फिर आपको मालूम है कि NCLT मेक्स रेफरेंस टू IBBI एंड IBBI गिव्स द रिकमेंडेशन ऑफ सम नेम, देन NCLT अपॉइंट्स. उसमें 10 डेज का कुछ टाइम वगैरह लगता है, तो देयर इज़ एन एक्सेप्शन. सो उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. तो एज पर अमेंडमेंट ऑन 28 दिसंबर 2019, येस द NCLT shall appoint IRP on the insolvency commencement date, but there is one exception, that is operational creditor ने application file की होगी और without recommending the name of any IP, तो फिर वो उसके लिए extra time NCLT को चाहिए होगा to appoint the interim resolution professional. Then going on further, question 6, and that is in the IBC for a corporate person, इनिशिएशन डेट ऑफ द प्रोसीजर इज व्हाट. इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, ये पहले भी वही था, आज भी वही है. द डेट ऑन विच द NCLT रिसीव्स द एप्लीकेशन, दैट इज द इनिशिएशन डेट. सो दैट पॉइंट सी इज द करेक्ट आंसर. मैंने लर्न एंड शाइन सीरीज में वैसे तो पूछा भी नहीं था, बट देर इज नो अमेंडमेंट इन दिस पॉइंट एज वेल. तो ये पुराना वही चला आ रहा है, इनिशिएशन डेट. इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट चेंज हो गई है ऑब्वियसली, नाउ दैट इज अ डेट ऑफ एडमिशन बाय द NCLT, और वहीं से 180 डेज शुरू होंगे. क्वेश्चन नंबर 7, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज होम बायर्स. होम बायर्स JP केस, एंड देन देर इज आम्रपाली केस, देर आर सो मैनी केसेस, सुपर टेक एंड सो ऑन ऑल ओवर इंडिया. से नोएडा और गुड़गांव में तो बहुत बुरी हालत है, और उसके अलावा ऑल ओवर इंडिया कई जगह. सो होम बायर्स दे वॉन्ट टू जॉइंटली फाइल एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग द CIRP प्रोसेस इन सेक्शन 7 एज फाइनेंशियल क्रेडिटर्स. उनको स्टेटस तो पहले ही दे दिया गया था फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का, बट नाउ दे वॉन्ट टू फाइल द एप्लीकेशन. कैन अ सिंगल होम बायर कमेंट फाइल द एप्लीकेशन. अगर 1 लाख रुपये से ऊपर का अमाउंट उसका अटका हुआ बुकिंग अमाउंट, तो कैन ही कमेंट फाइल द एप्लीकेशन. तो पहली बात तो यहाँ नंबर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन आ गई है. तो हाउ मेनी होम बायर्स, 100 और 1000 और 10%, और वो 100 होम बायर्स इन वन प्रोजेक्ट या वन कंपनी. दिस इज़ टेक्निकली इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि अब एक कंपनी है JP इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड दे आर हैविंग 10 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इन नोएडा, इन गुड़गांव और इन सम अदर पार्ट ऑफ इंडिया, और एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट अटका हुआ है. बाकी प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है, डिलीवर भी हो रहे हैं फ्लैट्स, लेकिन एक प्रोजेक्ट अटका हुआ है, या 2 प्रोजेक्ट अटके हुए हैं. लेट अस से आउट ऑफ 10 प्रोजेक्ट, 8 प्रोजेक्ट्स आर गेटिंग डिलीवर्ड टाइमली एंड 2 प्रोजेक्ट्स आर स्टक. तो 70 होम बायर्स इन वन प्रोजेक्ट एंड 30 होम बायर्स इन द अदर प्रोजेक्ट, पुटिंग टुगेदर 100 होम बायर्स, कैन दे कम एंड फाइल द एप्लीकेशन दैट वी ऑल आर कस्टमर्स ऑफ सेम कंपनी, और वेदर दे शुड बी 100 होम बायर्स फ्रॉम द सेम प्रोजेक्ट. तो इसमें मैं आपको सीधा आंसर की तरफ ही ले जा रहा हूँ. इट इज़ क्राइटेरिया 1 और क्राइटेरिया 5, विच एवर इज लेस. तो क्राइटेरिया 1, दैट इज मिनिमम 100 होम बायर्स और अलॉटीज इन द सेम प्रोजेक्ट, एंड क्राइटेरिया 5, मिनिमम 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ अलॉटीज इन द सेम प्रोजेक्ट, विच एवर इज लेस. दैट इज द आंसर, दैट इज द आंसर. एंड दिस वॉज थ्रू ऑर्डिनेंस ऑन 28 दिसंबर 2019, लेटर ऑन कन्फर्म्ड बाय लोकसभा राज्यसभा एंड मेड इन टू द एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट. सो आई विल से दैट वी स्पीकिंग वंस अगेन ऑन द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज नॉट लेस देन 100 सच अलॉटीज अंडर द सेम रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, और नॉट लेस देन 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ अलॉटीज अंडर द सेम रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, विच एवर इज लेस. तो अगर मान लीजिए कि 30,000 अलॉटीज हैं, तो 10% का मतलब हो जाता है 3,000 अलॉटीज, और 100 अलॉटीज जिनके पास, जिन्होंने वेल ऑब्वियसली बुकिंग अमाउंट दिया हुआ है, फ्लैट बुक करवाया हुआ है, और फ्लैट नहीं मिल रहा है, और वो सपनों का घर मिल नहीं रहा है, और वो टावर अधूरा खड़ा हुआ है. तो आइदर 100 अलॉटीज जो उस टावर की तरफ घूर घूर के देख रहे हैं इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट की तरफ, और 3,000 अलॉटीज, विच एवर इज लेस. तो 100 अलॉटीज भी हैं तो चलेगा, दे कैन गो एंड फाइल द एप्लीकेशन टू NCLT. और अगर मान लीजिए, लेट अस से देर आर ओनली 500 अलॉटीज इन अ पर्टिकुलर टावर एंड पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, तो
10% means 50 allottees. So 50 allottees or 100 allottees, whichever is less, can go and file the application to NCLT as financial creditors. अब ये लाने के पीछे लॉजिक क्या है, ये क्यों लेकर आए, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड? क्योंकि अगर ये पॉइंट नहीं था तो इवन अ सिंगल होम बायर होल्डिंग और हैविंग ओनली वन सिंगल फ्लैट बुकिंग और वट एवर एंड हैज गिवन हिज बुकिंग अमाउंट, वो जाता है और एनसीएलटी में एप्लीकेशन फाइल कर देता है एज फाइनेंशियल क्रेडिटर अंडर सेक्शन 7 की. सर कंपनी को सीआरपी प्रोसेस में डालो और अगर नहीं, वेल अगर सीआरपी सक्सेसफुल होता तो वाइंड अप द कंपनी. तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मतलब एक सिंगल होम बायर जाकर कहता है कि कंपनी को सीआरपी में डालो, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड में डालो, तो इट विल बी वेरी 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 हार्श टुवर्ड्स अ कंपनी. तो इसलिए क्राइटेरिया लेकर आए कि कुछ होम बायर्स का ग्रुप हो, इकट्ठा हो, तो ही जाएं सीआरपी प्रोसेस इनिशिएट करने के लिए. और एक सिंगल होम बायर को अगर सिर्फ अपना फ्लैट चाहिए या उसको सिर्फ अपना पैसा रिफंड चाहिए तो आईबीसी में नहीं आना चाहिए. आईबीसी इज़ नॉट द राइट रूट वेल फॉर द होम बायर टू फोर्स द कंपनी टू रिकवर हिज मनी बैक. अगर अपना पैसा ही वापस चाहिए तो ही कैन गो टू द वेल सिविल कोर्ट, रिकवरी सूट फाइल कर सकता है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी जा सकता है एज कंज्यूमर. तो कुल मिलाकर कहानी यहाँ पर यह है कि अगर देर आर सो मैनी डिफरेंट होम बायर्स, मल्टीपल होम बायर्स, एंड एवरी होम बायर वॉन्ट्स डिफरेंट रेमेडी, किसी को अपना पैसा वापस चाहिए, किसी को एक्चुअली फ्लैट चाहिए, तो हर कोई अलग अलग तरीके से अलग अलग फोरम्स में जा सकता है, वेल सिविल कोर्ट में या कंज्यूमर कोर्ट में. आई बी सी में आकर एक सिंगल होम बायर परस्यू कर रहा मैटर तो समझ में नहीं आता. आई बी सी लाने का जो मेन पर्पज़ था कि जो इंसॉल्वेंट कंपनी है उसका सर्वाइवल बना रहे, उसका बिजनेस बना रहे, वो वाइंडिंग अप में ना जाए और उसका रिहेबिलिटेशन हो जाए, कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग कंपनी आकर उस फाइनेंशियली वीक कंपनी का टेक ओवर कर ले और वो कंपनी सर्वाइव कर जाए. दैट वॉज द मेन ऑब्जेक्टिव बाय द आई बी सी ब्रॉड वॉज ब्रॉट इन. लेकिन होम बायर्स उसको अपने खुद के पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वो समझ में नहीं आता. तो इसलिए थोड़ा सा वो आईबीसी के मेन ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए लॉ मेकर ने ये प्रोविजन इंसर्ट किया सेक्शन 7 के अंदर. और सेम टू सेम प्रोविजन फॉर द डिबेंचर होल्डर्स इज ऑल्सो इंसर्टेड, सेम प्रोविजन, आइदर 100 डिबेंचर होल्डर्स इन द कंपनी और 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स इन द कंपनी विच एवर इज लेस, जस्ट टेक केयर ऑफ दैट. Then we move on further. A small question. Whether a corporate debtor, which is itself a defaulter, और जिसने अपने बैंक लोन रीपे नहीं किए और कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में उसका अपना खुद का रेजोल्यूशन प्लान बनाने की कोशिश चल रही है, अगर वो कॉरपोरेट डेटर किसी और कंपनी को लोन दे चुका था पहले और वो वहाँ पर क्रेडिटर है, तो क्या एज फाइनेंशियल क्रेडिटर या एज ऑपरेशनल क्रेडिटर व्हाटएवर, क्या वो किसी और कंपनी के अगेंस्ट, किसी और कॉरपोरेट डेटर के अगेंस्ट जाकर एप्लीकेशन फाइल कर सकता है? तो इस चीज़ को लेकर पहले बहुत क्लैरिटी नहीं थी, फिर सेक्शन 11 में अमेंडमेंट कर दी गई है और उसके अंदर एक क्लैरिटी ले आए हैं. क्योंकि सेक्शन 11 इज़ बेसिकली द पीपल हु आर नॉट एलिजिबल और इनएलिजिबल टू फाइल द एप्लीकेशन. तो उसमें वो कॉरपोरेट डेटर्स विच आर इनएलिजिबल टू फाइल एप्लीकेशन वो लिस्ट दी हुई थी. तो उसी सेक्शन 11 के अंदर उन्होंने एक क्लैरिटी एड ऑन की है कि अगर कॉरपोरेट डेटर के अपने अगेंस्ट सी आर पी प्रोसेस आजकल चल रहा है या पिछले दिनों में चल रहा था, बट स्टिल इट कैन गो एंड फाइल एप्लीकेशन अगेंस्ट द अदर कॉरपोरेट डेटर्स वेयर इट इज़ हैविंग द स्टेटस ऑफ क्रेडिटर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो सेक्शन 11 में क्लैरिटी लेकर आए हैं. क्वेश्चन नंबर 9 इन फ्रंट ऑफ यू. मोरेटोरियम चल रहा है और उस बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के पास, द क्वेश्चन वॉज ट्रू एंड फॉल्स, कि हम कह रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के पास ड्यूरिंग मोरेटोरियम कोई अथॉरिटी नहीं है टू कैंसिल द लाइसेंस, टू कैंसिल द परमिट, रजिस्ट्रेशन, कोटा, कंसेशन ऑफ द इंसॉल्वेंट कंपनी इवन इफ देयर इज अ डिफॉल्ट बाय द इंसॉल्वेंट कंपनी बिकॉज इट इज इंसॉल्वेंट इन पेमेंट ऑफ द ड्यूज ऑन दैट लाइसेंस और कोटा और रजिस्ट्रेशन एट्सेट्रा. अगर उसके कुछ मंथली या एनुअल ड्यूज देने थे, अगर उसमें डिफॉल्ट हो भी किया तो अब कंपनी इंसॉल्वेंट है और मोरेटोरियम चल रहा था, उन दिनों में गवर्नमेंट लाइसेंस कैंसिल नहीं कर सकती है. तो ट्रू और फॉल्स, तो यहाँ पर काफ़ी लोगों ने गलत आंसर दिया, बट द आंसर इज फॉल्स. और हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट लाइसेंस कैंसिल कर सकती है इफ़ देयर इज अ डिफॉल्ट इन द पेमेंट.
सो 28 दिसंबर 2019 दिस प्रोविजन वॉज इंसर्टेड कि मॉरेटोरियम के बीच में भी सेंट्रल गवर्नमेंट कैन कैंसिल द लाइसेंस ओनली इफ देयर इज अ डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ द करंट ड्यूज एंड ऑल दैट। तो उसके लिए गवर्नमेंट लाइसेंस कैंसिल कर सकती है। और वेल उसके अलावा और अदरवाइज अगर अगर इफ देयर इज नो डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ द करंट ड्यूज तो गवर्नमेंट लाइसेंस कैंसिल नहीं कर सकती है। तो एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि डिफॉल्ट्स नहीं है इन द पेमेंट ऑफ द करंट ड्यूज, तो उस केस में गवर्नमेंट फिर लाइसेंस कैंसिल नहीं कर पाएगी। और अगर मान लीजिए टेलीकॉम कंपनी है और उसको लाइसेंस मिला हुआ है 3G 4G चलाने का, और वो टेलीफोन जो टेलीकॉम कंपनी है उसने करंट ड्यूज में कोई कहीं कुछ गड़बड़ नहीं की हुई है, तो फिर गवर्नमेंट उसका लाइसेंस कैंसिल नहीं करेगी। और ऐसे केस में उस टेलीकॉम कंपनी का टेक ओवर कोई दूसरी टेलीकॉम कंपनी भी आसानी से कर पाएगी, क्योंकि प्रीवियस टेलीकॉम कंपनी के कस्टमर्स बने हुए होंगे और वो कस्टमर्स अभी भागे नहीं होंगे। सो दिस इज़ वन थिंग इम्पॉर्टेंट ओवर हेयर। अगर 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 डिफॉल्ट नहीं है तो गवर्नमेंट लाइसेंस कैंसिल नहीं कर पाएगी, लेकिन अगर डिफॉल्ट है करंट ड्यूज में तो गवर्नमेंट कैन कैंसिल द लाइसेंस इन दैट केस। सो आई होप गेटिंग द लॉजिक बिहाइंड दिस कि गवर्नमेंट का भी अपना लाइसेंस फ़ी काफ़ी ज़्यादा होता है आजकल, वो थाउजेंड्स ऑफ करोड्स में सुनते हैं। एयरटेल से गवर्नमेंट को रिकवर करना है और आइडिया से रिकवर करना है, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन। और आपने पिछले दिनों में सुना भी होगा, सुप्रीम कोर्ट में भी मैटर था, पेंडिंग था कि आइडिया हैज़ टू पे सम 40,000 करोड़ टू डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, वेल टू द मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम फॉर इट्स लाइसेंस फ़ी एंड ऑल दैट। सम कैलकुलेशंस हैव बीन चेंज्ड। देन मूविंग ऑन फर्दर इन टू दिस क्वेश्चन नंबर 10, इन IBC इफ कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस CRP का प्रोसेस फेल हो गया, वो 180 डेज का जो प्रोसेस होता है, और 180 डेज प्लस 90 डेज 270 डेज खत्म हो गए, और मे बी 330 डेज खत्म हो गए, और CRP प्रोसेस फेल हो गया है क्योंकि NCLT ने रेजोल्यूशन प्लान को डिसअप्रूव कर दिया है। तो फाइनली मामला अब लिक्विडेशन में चला गया है, वाइंडिंग अप में चला गया है। तो जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो इमिडिएटली वेकेट कर देगा अपना ऑफिस, और कैन दैट रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कंटिन्यू अंटिल द ऑर्डर इज पास टू अपॉइंट द लिक्विडेटर। तो इस चीज़ को लेकर पहले क्लैरिटी नहीं थी, अभी थोड़ा सा क्लैरिटी आ गई है, अमेंडमेंट हो गई है, और जिसमें क्लियर कट लिख दिया है येस द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल विल कॉन्टिन्यू अंटिल द ऑर्डर इज पास टू अपॉइंट द लिक्विडेटर। एंड देन वेल लॉजिक क्या है इसके पीछे वो आपको समझ में आता ही है कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल उस कंपनी को अपने होल्ड में रखेगा जब तक वो एसेट्स और लाइबिलिटीज हैंड ओवर नहीं कर देता लिक्विडेटर को, तो उसका एक कंट्रोल बने रहना चाहिए, ऑब्वियसली दैट इज देयर। तो ही विल कॉन्टिन्यू इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ CIRP प्रोसेस इज कंप्लीट एंड CRP पीरियड इज ओवर, उसके बाद भी वो कॉन्टिन्यूड रहेगा कंपनी के अंदर। सो दिस इज अ न्यू लिटिल अमेंडमेंट इन द IBC टू ब्रिंग मोर क्लैरिटी इन टू द IBC। एंड देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द लाइबिलिटी ऑफ द कॉरपोरेट डेटर फॉर ऑफेंस कमिटेड प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द CRP। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, और बड़ा लॉजिकल पॉइंट है कि जो कॉरपोरेट डेटर ने जो ऑफेंसेस किए हुए थे वेल बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द CRP प्रोसेस, CRP शुरू होने से पहले जिसके लिए प्रोसिक्यूशन चल रहा था इन द क्रिमिनल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट में प्रोसिक्यूशन चल रहा था अगेंस्ट द कॉरपोरेट डेटर, जब वो मॉरेटोरियम ख़त्म हो जाएगा, CRP कंप्लीट हो जाएगा, और मान लीजिए कि एक फाइनेंशियली स्ट्रांग कंपनी आकर उस कंपनी का टेक ओवर कर लेती है, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, और एक न्यू प्रमोटर आ जाता है पिक्चर में और पुराने वाला प्रमोटर पिक्चर से चला जाता है। अब वो टेक ओवर हो गया और सक्सेसफुल हो गया, CIRP प्रोसेस सक्सेसफुल हो गया। आई होप आपको बात समझ में आ रही है सबको मेरी। आई जस्ट रिपीट दैट वंस कि ये उस फाइनेंशियली इंसॉल्वेंट कंपनी का सक्सेसफुली टेक ओवर हो जाता है और एक फाइनेंशियली स्ट्रांग कंपनी आकर उस कंपनी का टेक ओवर कर लेती है CRP प्रोसेस में, और कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स भी वो टेक ओवर अप्रूव कर देती है, NCLT भी टेक ओवर अप्रूव कर देता है। अब वो जो न्यू होल्डिंग कंपनी कह लीजिए आप, न्यू होल्डिंग कंपनी बन गई है उस इंसॉल्वेंट कंपनी की, क्या वो पुराना वाला जो प्रोसिक्यूशन चल रहा था पुराने वाला अगेंस्ट कॉरपोरेट डेटर, क्या वो प्रोसिक्यूशन फिर से शुरू हो जाएगा? मॉरेटोरियम के दिनों में रोक दिया था Section 14, यू नो दैट स्टे लग जाता है सब कुछ, तो क्या अभी मॉरेटोरियम ख़त्म होने के बाद वो फिर से
वो प्रोसिक्यूशन पुराने वाले ऑफेंसेस के लिए फिर से शुरू हो जाएगा अगेंस्ट द कॉरपोरेट डेटर। क्या होना चाहिए? पुराने वाले जो प्रमोटर्स फ्रॉडुलेंट थे उनको कंपनी से निकाल दिया, अपने न्यू प्रमोटर्स आ गए, तो आपका दिल क्या कहता है एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देना। आई एम काउंटिंग 10 फॉर दैट, गिविंग यू द टाइम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो क्या होना चाहिए? क्या कंपनी को एज क्लीन स्लेट क्लीन फ्यूचर दोबारा से कंटिन्यू करने देना चाहिए, या नहीं पुराना वाला प्रोसिक्यूशन फिर से शुरू होना चाहिए? सो द आंसर ओवर हेयर इज़ कि ऊपर जो क्वेश्चन में लिखा है बेसिकली ट्रू फॉल्स ही पूछा जा रहा है कि दैट विल लाइबिलिटी विल कंटिन्यू, प्रोसिक्यूशन विल कंटिन्यू, ट्रू और फॉल्स। तो आंसर इज़ फॉल्स इफ़ द मैनेजमेंट चेंजेस, आंसर इज़ फॉल्स। और इसको आंसर को सही तरीके से अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि पुरानी वाली लाइबिलिटीज़ जो हैं दे शेल सीस, पुरानी लाइबिलिटीज़ ख़त्म हो जाएंगी, पुराने प्रोसिक्यूशन जो कॉरपोरेट डेटर के अगेंस्ट चल रहे थे वो ख़त्म हो जाएंगे और क्लीन स्लेट बनाकर हम हैंड ओवर करेंगे वेल मोरेटोरियम ख़त्म होने के बाद, और कॉरपोरेट डेटर को प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा अगर सक्सेसफुल टेक ओवर हो जाता है, अगर रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो जाता है एंड देयर इज़ अ चेंज इन द मैनेजमेंट और न्यू नीट एंड क्लीन साफ सुथरा प्रमोटर कंपनी को टेक ओवर कर लेता है और पुराने प्रमोटर्स जो क्या कहें वो डिफॉल्टर्स थे उनको निकाल कर कंपनी से बाहर फेंक दिया गया है कॉरपोरेट डेटर से। तो और उसका पर्पस समझ में आ रहा है कि लॉ मेकर ने ये नया प्रोविजन क्यों डाला है, ताकि साफ सुथरा, और ये सेक्शन 32A न्यू सेक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि वो जो न्यू प्रमोटर्स हैं उनको साफ़ सुथरी कंपनी मिले और प्रोसिक्यूशन का टेंशन ना हो कि पुराने वाले जो डिफॉल्ट्स पुराने प्रमोटर्स ने करवाए थे वो ना झेलने पड़े उस कंपनी को टेक ओवर के बाद। सो मेक्स वेरी गुड सेंस ओवर हेयर एंड वी शुड बी थैंकफुल टू द लॉ मेकर कि लॉ मेकर को ये हर्डल समझ में आई टेक ओवर प्लान में और इसको हटाया लॉ मेकर ने। लेकिन एक सवाल है इसके साथ साथ, वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निकल क्वेश्चन, जो पुराने प्रमोटर्स का पर्सनल प्रोसिक्यूशन चल रहा था उनके ऊपर, पुराने वाले प्रमोटर्स जिन्होंने फ्रॉड किए थे जो पर्सनल प्रोसिक्यूशन उनके ऊपर चल रहा था, क्या वो चलता रहेगा? जो पुराने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने गड़बड़ियाँ की थी और उनका पर्सनल प्रोसिक्यूशन कोर्ट में चल रहा था, क्रिमिनल कोर्ट में, तो क्या वो प्रोसीडिंग्स चलती रहेंगी, येस और नो? उसके लिए सेक्शन 32A इज साइलेंट और सेक्शन 32A में उसके लिए कहीं कोई कहना चाहिए कोई एग्जम्पशन एक्सेप्शंस नहीं बनाई गई हैं। तो समझ में आता है कि वो वाला प्रोसिक्यूशन जो पर्सनल प्रोसिक्यूशन था प्रमोटर्स का और फ्रॉडुलेंट डायरेक्टर्स का वो चलता ही रहेगा, उसके लिए कोई स्टे नहीं मिलेगा या उसके लिए कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। आई होप यू आर एबल टू डिस्टिंग्विश कंपनी जो थी कॉरपोरेट डेटर जो कंपनी है या LLP है वो बच जाएगी, उसको फ्यूचर में प्रोसिक्यूशन फेस नहीं करना पड़ेगा पुराने डिफॉल्ट्स के लिए क्रिमिनल कोर्ट में अगर मैनेजमेंट चेंज हो जाती है। लेकिन अगर मैं बोलूं अगर LLP थी वो कॉरपोरेट डेटर वाज LLP तो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को प्रोसिक्यूशन फेस करना पड़ेगा, और अगर कंपनी थी तो डायरेक्टर्स फ्रॉडुलेंट डायरेक्टर्स और फ्रॉडुलेंट प्रमोटर्स को प्रोसिक्यूशन ऑब्वियसली फेस करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12, आई जस्ट मूव ऑन फर्दर ऑन टू द नेक्स्ट वन एंड दिस इज वन ऑफ द रीसेंट थिंग्स इन IBC, द मिनिमम अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट टू स्टार्ट द CRP प्रोसेस। पहले आप हमेशा बोलते रहे हैं 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपीज़, नाउ इट इज अमेंडेड 1 करोड़, और ये अमेंडमेंट अभी रिसेंटली हुई है। तो आप आज की तारीख में सेक्शन 7, 9, 10 में अगर एप्लीकेशन फाइल करनी है, चाहे वो FC हो, OC या CD, फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर या कॉरपोरेट डेटर, मिनिमम अमाउंट टू फाइल द एप्लीकेशन इज ₹1 करोड़। और ये बढ़ाने के पीछे लॉजिक क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द लॉजिक? आजकल ये लिमिट बढ़ा क्यों दी गई है? सेक्शन 4 में ये पावर थी ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास कि 1 लाख को बढ़ाकर 1 करोड़ तक ले जा सकते हैं, और उस पावर का इस्तेमाल किया सेक्शन 4 में और 1 करोड़ कर दिया है। वेल फॉर द पर्पज ऑफ कॉरपोरेट डेटर्स कंपनीज एंड LLPs, अगर डिफॉल्ट 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज़्यादा का है तभी ये फाइल होगा। तो ये अमेंडमेंट तो हुई है 24 मार्च 2020 को, बट आई एम आस्किंग फॉर द लॉजिक, और लॉजिक बड़ा सिंपल है कि लॉकडाउन की वजह से बिजनेस बंद है और बिजनेसेस डाउन है, टर्नओवर ख़त्म होती जा रही है, और टर्नओवर ख़त्म है, रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, तो पुराने लोन्स कहाँ से रीपे करें, और उसमें डिफॉल्ट हो ही रहे हैं। और पिछले दिनों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सबको 3 महीने का मोरेटोरियम पीरियड दिया था कि अगर आप चाहो तो, अगर अगर आप बॉरोअर हो तो मे बी, वो ऐसे तो वो सभी के लिए था, कंपनीज के लिए भी, इंडिविजुअल्स के लिए भी, पार्टनरशिप फर्म्स LLP सभी के लिए, तो आप अपने लेंडिंग बैंक को या लेंडिंग इंस्टीट्यूशन को बोल सकते हो
कि 3 महीने का हम इंटरेस्ट देंगे, लेकिन उसमें जो ईएमआई में प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो हम नहीं देंगे, और आप ईएमआईज आगे के लिए पोस्टपोन कर दो, तो वो भी बेनिफिट आरबीआई ने बीच बीच में दिया था। खैर एनी हाउस, सबको मालूम है कि बिजनेसेस शट डाउन है, तो उसको दिमाग में रखते हुए, और सबको मालूम है कि रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, तो ये अमाउंट बढ़ाकर 1 लाख से 1 करोड़ कर दिया गया था ऑन 24th of March, और ये तभी की बात है जब जनता कर्फ्यू लगाया गया था और लॉकडाउन नंबर 1 शुरू हुआ था, ये तभी साथ के साथ कर दिया गया था। तो जून 20 एग्ज़ाम्स के लिए रेलिवेंट है या नहीं है, आई डोंट नो, एग्ज़ाम में पूछेंगे नहीं पूछेंगे, लेकिन जुलाई 2020 एग्ज़ाम, सॉरी जून 20 कहना गलत है, जुलाई 2020 एग्ज़ाम कहना चाहिए। तो वेल, एंड देन क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज़ देयर इफ़ अ फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर या फाइनेंस कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इंक्लूडिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बिकम्स इंसॉल्वेंट। तो जैसे ही बोलते हैं ना हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, तो दिमाग में आता है DHFL, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, और दिमाग में आता है आईलैंड एफएस, सितंबर 2018, याद हो 1 लाख करोड़ रुपए का डेट था और आईलैंड एफएस ने रीपे नहीं किया, और मार्केट में जिन जिन को रीपे नहीं किया वो सब भी डूब गए, क्योंकि उन्होंने भी पैसा आगे से कहीं से ले रखा था और आईलैंड एफएस में लगा रखा था। तो स्टॉक मार्केट में वो जो क्रैश आया था सितंबर 2018, पीछे अगर याद नहीं है आप लोगों को तो पीछे जाकर देखिएगा, वेल सर्च ऑन गूगल एंड यू विल फाइंड ओवर देयर। तो उस चीज़ को दिमाग में रखते हुए, अगर कोई फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर NBFC कंपनी है या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इंसॉल्वेंट हो गया है, तो क्या NCLT में उसके अगेंस्ट एप्लीकेशन फाइल हो पाएगी सेक्शन 7, 9, 10 में? पहले तो नहीं हो पाती थी, पहले नहीं हो पाती थी, मना था, इट वॉज नॉट अलाउड टू फाइल द एप्लीकेशन अगेंस्ट फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स, लेकिन अब आंसर येस हो गया है इफ नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर उस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी या उस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का जो एसेट बेस है वो 500 करोड़ है, 500 करोड़ या 500 करोड़ से ज़्यादा, मतलब अगर उस NBFC कंपनी ने या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने आगे 500 करोड़ रुपए के लोन दिए हुए हैं और लोन बुक 500 करोड़ या उससे ज़्यादा की है, इतना स्ट्रांग है, और ऐसे में वो इंसॉल्वमेंट हो जाती है, तो उसको ला सकते हैं यहाँ पर, वेल IBC में, CIRP में ला सकते हैं NCLT के पास, उससे छोटी लोन बुक है, एसेट साइज 500 करोड़ से कम का है, देन आंसर इज नो, देन आंसर इज नो। 18th नवंबर 2019 दिस नोटिफिकेशन केम इन, और वेल आई से वो 500 करोड़ की लिमिट याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, तो एग्जाम के लिए बिल्कुल रेलिवेंट है। और इसमें एक चीज़ बोल रहे हैं कि यहाँ पर एप्लीकेशन फाइल करने का हक ना सबको नहीं दिया गया है, किसको दिया गया है, जो रेगुलेटर है ना, जो उनको रेगुलेट करता है, अब ऑब्वियसली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन अप्लाई टू द NCLT टू इनिशिएट द CIRP प्रोसेस इफ NBFC बिकम्स इंसॉल्वेंट, तो RBI को हक दिया गया है, बाकी सबको नहीं दिया गया, रेगुलेटर को हक दिया गया है एप्लीकेशन फाइल करने का। और इसके पीछे जो रूट है, वो रूट मैं आपको बता देता हूँ, सेक्शन 227। एंड सेक्शन 227 गिव्स द पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, टू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, टू नोटिफाई द फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स, और उसमें लिखा हुआ है नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन द होल कोड, पूरा का पूरा इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड गया भाड़ में, और एनी अदर लॉ, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो इट मे कंसिडर, इफ इट कंसिडर नेसेसरी इट कैन नोटिफाई फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स ऑफ एनी कैटेगरी टू फॉल इन दिस कोड, और वो भी फिर CIRP में आ जाएंगे। तो इस पावर का इस्तेमाल किया और सेक्शन मतलब 227 को इस्तेमाल करते हुए नोटिफिकेशन इशू कर दिया, एंड आई जस्ट रिपीट दैट 18 नवंबर 2019 दैट नोटिफिकेशन केम इन एज सच। सो ये नोटिफिकेशन के लिए बोलूँगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। एंड टुवर्ड्स द एंड, वेल आल से कुछ रीसेंट न्यूज़ है जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ अभी यहाँ पर, एंड दिस इज़ इकोनॉमिक टाइम्स में देखने के लिए मिला, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड के ऊपर वो ऑब्वियसली वो ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है दिस वीक, एंड समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट कमिंग अप। 6 महीने के लिए इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड को ऑल टुगेदर सस्पेंड कर दिया गया, आपके सामने बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर है, और बोला जा रहा है कि अब 23rd 24th अप्रैल के बाद से, वेल सेक्शन 7, 9, 10 में अब CIRP स्टार्ट करने के लिए कोई एप्लीकेशन फाइल हो ही नहीं सकती है फॉर 6 मंथ्स, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन। तो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड हैज़ बीन सस्पेंडेड इन इंडिया, एंड दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ पेंडेमिक, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ लॉकडाउन,
इकॉनमी की, क्योंकि डाउन जा रही है, बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, तो लोन रीपे कैसे करेंगे, और डिफॉल्ट होने के चांसेस तो बहुत ज़्यादा हैं. तो किसी भी कॉरपोरेट विल डेटर के अगेंस्ट विल सेक्शन 7, 9, 10 में एप्लीकेशन फाइल हो ही नहीं सकती है. अब एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन ऑल दैट इज़ देयर. और गवर्नमेंट अगर चाहे तो, वो आपको दिख रहा है सेकंड पैरा में, इसको बढ़ाकर 1 ईयर तक कर सकती है, 6 मंथ्स को बढ़ाकर 1 ईयर, कि कोई फ्रेश एप्लीकेशन फाइल नहीं होगी. जो पहले फाइल हो चुकी हैं, जो प्रोसेस चल रहा है वो चल रहा है, क्योंकि पहले जब डिफॉल्ट हुआ था तब तो कोरोना वायरस की वजह से नहीं हुए थे ना डिफॉल्ट्स, और पहले जब डिफॉल्ट हुए तो लॉकडाउन की वजह से नहीं हुए थे. तो जो पुरानी प्रोसीडिंग्स चली आ रही हैं वो चली आ रही हैं, लेकिन अब कोई फ्रेश प्रोसीडिंग नहीं होगी. तो बीच में 1 लाख को 1 करोड़ करने की बात भी लिखी है, और सबसे ऊपर टॉप लाइन सबसे ऊपर ऑल थ्री सेक्शन, सेक्शन 7, सेक्शन 9, सेक्शन 10 वुड लूज देयर इफेक्ट ऑल टुगेदर फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, और द फर्दर पीरियड विच मे बी नोटिफाइड मे बी एडिशनल 6 मंथ्स एंड कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 1 ईयर. एंड विल आल से वो नीचे बॉटम पैरा में लोन मोरेटोरियम, हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि RBI ने 3 महीने का रिलीफ दिया. सो दैट वॉज बिजनेस स्टैंडर्ड, दिस इज इकोनॉमिक टाइम्स, सेम न्यूज़, टॉप लाइन, गवर्नमेंट डिसाइड टू सस्पेंड राइट नाउ दैट 6 मंथ्स विच इज विजिबल इन द फाइन प्रिंट. सबसे ऊपर 1 ईयर लिखा है, बट फाइन प्रिंट सेज इट इज 6 मंथ्स. सेक्शन 7, 9, 10 को सस्पेंड किया जाता है ऑल टुगेदर, दैट इज बींग सस्पेंडेड. एंड विल आल से तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है हमारे लिए, दिस इज द मेजर न्यूज़, बिग न्यूज़, कि IBC चाहे जुलाई 2020 एग्जाम्स में क्वेश्चन आएगा, लेकिन इंडिया में IBC में कोई नया केस नहीं आएगा, पुराने वाले केसेस चल रहे हैं. एक चीज़ ये 12th में 2020 को नया आया, इसका थोड़ा सा सेंस मुझे समझ में नहीं आया. NCLT का एक ऑर्डर आया कि अब 12th में 2020 के बाद जब भी फ्रेश एप्लीकेशन फाइल होगी सेक्शन 7 में, और फाइनेंशियल क्रेडिट एप्लीकेशन फाइल करेंगे, देन इट इज़ मैंडेटरी, इट इज़ कंपल्सरी कि इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, यू नो दैट इंडिया में सिर्फ एक ही है, NESL, आप वेबसाइट खोल के देख लीजिएगा, कैपिटल N स्मॉल ESL, तो वहाँ से इंफॉर्मेशन यूटिलिटी से डिफॉल्ट का रिकॉर्ड, वो जो सबूत है, एविडेंस है, वो साथ में लगाना पड़ेगा पिटीशन के साथ. इन सेक्शन 7 फाइनेंशियल क्रेडिटर के लिए कंपलसरी है, लेकिन जब एप्लीकेशंस फाइल करना अलाउड ही नहीं है, फ्रेश एप्लीकेशंस, तो फिर ये साथ में एविडेंस लगाना इंफॉर्मेशन यूटिलिटी से मांग कर, वो कोई सेंस नहीं बन रही है इस ऑर्डर की. 12th में को ये जो ऑर्डर आया है, नो न्यू पिटिशन शेल बी एंटरटेन्ड बाई द NCLT विदाउट द रिकॉर्ड ऑफ द इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, मतलब ये फर्स्ट पैरा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया यहाँ पर क्या कह रहे हैं. सेकेंड पैरा इज स्टिल सेंसिबल कि अगर कोई पुरानी एप्लीकेशन पेंडिंग चली आ रही थी तो उन सबको बोल दिया गया है कि नेक्स्ट हियरिंग NCLT में आने से पहले वेल इंफॉर्मेशन यूटिलिटी से रिकॉर्ड्स मंगवा लीजिए, एविडेंसेस मंगा लीजिए नेक्स्ट हियरिंग आने से पहले, और वो NCLT में सबमिट कर दीजिए. सो इट इज़ सेकेंड पैरा इज एब्सोल्युटली ओके, बट फर्स्ट पैरा इज नॉट मेकिंग एनी सेंस टू मी. आई से आई एम लिटिल कन्फ्यूज अबाउट दिस. एंड वेल, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग कन्फ्यूजिंग पॉइंट है कि बैंक्स, लेंडिंग बैंक्स आर कन्फ्यूज रिगार्डिंग जो एप्लीकेशन ऑलरेडी वो फाइल कर चुके हैं 12th मई 2020 से पहले, और वो एप्लीकेशन अभी तक NCLT में पेंडिंग है और एडमिट नहीं हुई हैं, या ये वेल गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आने से पहले, तो क्या वो एप्लीकेशन एडमिट होंगी और क्या उन पे फर्दर प्रोसीडिंग्स होंगी. तो देयर इज अ कन्फ्यूजन अमंगस्ट द लेंडिंग बैंक्स. आंसर, आई डोंट नो द आंसर अबाउट दिस. ये सब कुछ चल रहा है आजकल. और NCLAT ने एक चीज़ और बोली है कि आजकल हम सिर्फ IBC में जो पुराने अपील्स के मामले, NCLAT की बात हो रही है, अब NCLAT की बात हो रही है, NCLT की बात नहीं हो रही है. NCLT के ऊपर अपील NCLAT में, NCLAT में जाती है, तो वो कह रहे हैं सिर्फ IBC की अपील सुनेंगे, और उसके अलावा कंपनीज एक्ट के मामलों की कोई अपील है, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट की या कंपटीशन एक्ट के किसी मामले की कोई अपील है, आजकल कुछ नहीं सुनेंगे. अब सिर्फ सारा फोकस सिर्फ IBC की अपील्स पे रहेगा, और ओवर क्राउडिंग को कम करना है कोर्ट रूम के अंदर. और अब तो मैं सुन रहा हूँ वो व्हाट्सएप के थ्रू भी हियरिंग हुई पिछले दिनों में, जज साहब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू करने की कोशिश कर रहे थे, और अब व्हाट्सएप के थ्रू भी बीच में उस दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो व्हाट्सएप के थ्रू हियरिंग कर ली, तो उसको भी एविडेंस माना जा रहा है, रिकॉर्ड पे लिया जा रहा है. सो एक और टेक्निकल पॉइंट, लॉकडाउन पीरियड विल नॉट बी काउंटेड इन द IBC टाइमलाइंस. वो 180 डेज और 90 डेज की जब कैलकुलेशन होती है, तो उस बीच में ये लॉकडाउन के पीरियड को काउंट नहीं किया जाएगा, तो टेन्योर ऑटोमेटिकली जो CIRP प्रोसेस का टेन्योर है वो और बढ़ जाएगा, लंबा हो जाएगा. दिस इज इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ कमिंग अप. एंड देन आई विल से
जेट एयरवेज के केस का बीच में रेफरेंस है, रिलायंस कम्युनिकेशन आरकॉम का केस का भी बीच में रेफरेंस है। आई एम नॉट रीडिंग दैट एंटायरली, लेकिन न्यूज़ थोड़ी सी पता होनी चाहिए। एंड फाइनली आल से इतनी सारी अमेंडमेंट्स के बारे में बात की, अभी भी कुछ बाकी हैं, आई विल बी शेयरिंग विद यू पीपल इन द कमिंग वीडियोज़। बट शेयर दिस वीडियो फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, और इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के बताइएगा आपकी और कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं और कौन सी अमेंडमेंट्स के बारे में आप लोग बात करना चाहते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मैं कहूँगा उनका भी फ़ायदा पहुँचाएंगे, आपको भी फ़ायदा होगा, उनसे दुआएं मिलेंगी, आपको भी फ़ायदा होगा ऑब्वियसली। ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। दीपक गुजरानी इज साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। जय माता दी।